राजनीति से थोड़ी दूर है, बिरले ही होता है कि जब बेटा पार्टी की सदस्यता ले रहा हो तो माँ ठीक बगल में बैठी हो। ये मैंने इससे पहले शायद ही इस तरह की तस्वीर देखी। आपके लिए ये क्षण, ये अनुभूति कैसी रही? मैंने जीवन में किसी नए व्यक्ति को एक साथ, माँ और बेटा को जो है एक साथ, मतलब पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के दौरान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। शायद आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि आप लोगों को पॉलिटिकली आप लोग ज़्यादा न्यूज़ कवर करते हैं। मैंने नहीं देखा और मेरे लिए गर्व की बात है। और ज़रा सोचिए, वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक माँ को जो है कुर्सी देता है, फिर उसके बेटे को कुर्सी देता है, एक वैसा लड़का जो एक गांव से बिलोंग करता है, मानवा डुमरी मेरा घर है, कभी गांव में जाके देखिएगा तो सांप की तरह जो है चारों तरफ से नदी ने जो मेरे गांव को घेर के रखा है, जगदीशपुर घर तरुआ तो हमारा बगले के पानी, मतलब 10-12 किलोमीटर दूर आपका घर है और वहीं जगदीशपुर थाना में मैंने सरेंडर किया था। तो मेरे लिए एक और गर्व की बात है कि मेरे क्षेत्र की ही बैठी हुई है, आप बिहार के सब लोग हैं, तो चलिए ठीक है। तो वहाँ से मैं उठा और वहाँ से उठा और भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में मुझे ज्वाइन कराती है। मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी बेतिया में भी, जिला हेडक्वार्टर में ज्वाइन करा सकती थी, पटना में भी ज्वाइन करा सकती थी, लेकिन दिल्ली में ज्वाइन कराती है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और एक सवाल यहाँ, कमिटमेंट, ये कमिटमेंट की जब बात आपने की कि माँ को कैसे कमिटमेंट आपने किया, अब बिहार की जनता को कमिटमेंट करेंगे, हमें ज़रा एक चीज़ बताइए, 2014 के बाद जब सरकार आई, नई सरकार आई, तो सबने एक कमिटमेंट भी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांव को गोद लेने की बात कही और सभी लोगों ने लिया। आपने कभी ऐसी कोई रिपोर्ट चलाई जिसमें वो सच्चाई भी दिखे, कितने गांवों को गोद लिया गया? देखिए, हालांकि कुछ जगहों पे जो है गोद लिया गया, वहाँ पे उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये बात सत्य है, अटल सत्य है। देखिए, हम लोग अगर सही बोलेंगे ना तो मोदी जी तक सही फीडबैक जाएगा और जब सही फीडबैक जाएगा तो वो काम होगा। इसको पक्ष और विपक्ष के आईने से देखने की जरूरत नहीं है, इसको मजबूत भारत करने के लिए जो है मैं खुले दिमाग का हूँ। पता नहीं, मतलब कि संभल कर बोलिए, बहुत धन्यवाद, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे जो है उस हिसाब से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे जगहों पे अप्रत्याशित रूप से बदलाव हुआ। मोदी जी की ये योजना जो है बहुत बढ़िया योजना था और काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इस पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है और कुछ गांवों को जो है और सुधार की जरूरत है और कुछ और नेता जो है इस बार आएंगे तो और गांवों को गोद लेंगे। आपके लिए क्या बड़े भाई की तरह है और दुख के समय में मनोज तिवारी भैया जो है मेरे घर गए थे, जेल गए थे मिलने, कमाल की बात यह है जेल में उनको मिलने तक नहीं दिया गया, उसके बाद से फिर बिहार गए, मेरी मम्मी से बात की है, मुझे पता तक नहीं चलने दिए कि तुम्हारी मम्मी से बात कर रहे हैं, और पटना एयरपोर्ट पे 6:10 पे जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि मनोज तिवारी भी आ रहे हैं मुझे लेने और मुझे लेके दिल्ली जा रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट, देखिए बीजेपी से पहले से ही जुड़ाव रहा है, जब मैं 2010 से मैं फेसबुक चलाता हूँ, मेरा फेसबुक उठा के आप देख सकते हैं, जब 2012-13 के वो दौर था जब नरेंद्र मोदी जी का नाम नेशनल लेवल पे आने लगा और गोवा अधिवेशन में जो है इनको प्रधानमंत्री के रूप में जो है घोषित कर दिया गया, उस समय से जो है हम लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, वो पुराना पोस्ट, आज से 7-8 साल 10 साल पहले का पोस्ट भी आप देख सकते हैं।